गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से हमारा मोटो ब्लॉग आज यहाँ पे होने वाला है। बहुत दिनों के बाद निकले हैं, गाड़ी को भी बहुत दिनों के बाद निकाली है। हालांकि वैसे चला रहे थे, लेकिन मोटो ब्लॉग के पर्पज़ से अब काफ़ी दिनों के बाद निकाले हैं। उससे पहले मैं आपको टाइम बता दूं तो अभी टाइम हो चुका है 6:40। आज है संडे, तो कोरोना के बिजी शेड्यूल के चलते हुए हमें थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल अब संडे की तो छुट्टी मिलने लग गई है। तो देखते हैं, अब धीरे धीरे शुरू करेंगे अपने वापस जो भी संडे राइड्स के प्लान थे वो वापस शुरू करेंगे। ओके, तो अभी थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा उजाला होने दो या फिर अच्छी रोड आने दो जहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर हो, मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पे। और बाकी भाई साहब, अभी ठंड काफ़ी शानदार हो रखी है। तो सभी लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया मोटो ब्लॉग कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इसलिए। और नॉर्मली इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, लेकिन इस बार जयपुर में कुछ खास ठंड नहीं है। अभी हमारे साथ राइड पे कौन है साथ में? तो हमारे साथ इस समय राइड पे है हमारी, देखिए, श्रीमती जी। ये भी बोल रही थी भैया राइड करे हो, खूब दिन हो गए, कहीं चलते हैं ना। मैं कहा चलो 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 चलते हैं। इसी बहाने हमारे जो कुछ मोटो ब्लॉग लवर्स हैं उनको भी थोड़ा सा एक मोटो ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। हिमालयन है इस गाड़ी में, एक इशू रहता है कि जो इसकी हाई बीम होती है वो काफ़ी ऊपर रहती है। तो मैं एक्चुअली क्या है, इसकी लाइट का फोकस है वो नीचे शिफ्ट कर रहा था, और करने में ये हुआ कि इसकी हाई बीम ही गायब हो गई। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई सेटिंग्स में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अब इसमें हाई बीम की लाइट है वो जलती ही नहीं है। नॉर्मली ये जो टाइम होता है, ये टाइम होता है हमारे योगा सेशन का, लेकिन आज हम जा रहे हैं राइडी 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 पे। नॉर्मली दिसंबर में हमारी हमेशा बड़ी राइड होती है, चाहे वो राजस्थान राइड हो चाहे वो उत्तराखंड राइड हो, लेकिन इस बार शायद नहीं हो पाए कोई लंबी राइड, लेकिन जो भी छोटी मोटी भी होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको आपकी रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी की वीडियोस भी मिलेंगी, आपको घूमने फिरने के राइडिंग के वीडियोस भी मिलेंगे। तो फिलहाल रोड का आनंद लेते हैं, खाली खाली रोड हैं, थोड़ा सा भगाते हैं। और इसके किलोमीटर की बात करूँ तो 5400 किलोमीटर ही हुए हैं अभी तक अपनी हिमालयन के, और हिमालयन ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट करने वाली है। और अगर आप में से कोई जानता है कि हिमालयन के लिए कौन से फॉग लैंप और कौन सा हेड लैंप सबसे बेस्ट है, तो मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वाह, ये लाइटों का पैटर्न देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है झिलमिला रही है लाइटें रोड। अपनी गाड़ी का जो टेम्परेचर है इस समय शो कर रहा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। लास्ट जो सामर राइड का वीडियो था वो काफी शानदार राइड का वीडियो था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाइए देख के आइए। वहाँ पे हम जो शुभम है उसकी जो बाइक है मूफली, उसके साथ राइड करी थी, काफ़ी बढ़िया और शानदार वीडियो रहा था वो हमारा, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ B2 बाईपास पे, और यहाँ से अब हम टर्न ले रहे हैं टॉक रोड की ओर। मोटो ब्लॉग वैसे तो बोरिंग ही होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बातें होती हैं, रोड देखने को मिलती है, तो बातें हो रही हैं, रोड आपको दिख रही है, तो इन्जॉय करो यार। यहाँ पे एक फन किंगडम हुआ करता था पहले जयपुर के अंदर, काफ़ी प्यारी जगह हुआ करती थी जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो यहाँ पे स्कूल के थ्रू हम उनको लेके आया करते थे। यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब पूरा दिन कब यहाँ गुजर जाता था कुछ पता ही नहीं लगता था। वो टाइप के जो फन पार्क होता है उस टाइप का था,
अब जयपुर में यार ऐसा कोई इतना बड़ा और इतने ह्यूज लेवल वाला पार्क अब कोई भी नहीं है, और रियली हम जयपुर के लोग काफ़ी मिस करते हैं ऐसे एक पार्क को। ऐसा एक पार्क यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए जिसमें हम पूरी फैमिली के साथ पूरा दिन मस्त बिता सकें। तो भैया हम ऐसी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं जहां संडे के दिन काफ़ी राइडर्स आते हैं। देखते हैं आज कैसा क्या माहौल चल रहा है वहां पे, और मैडम को भी थोड़ा सा पहली बार दिखाएंगे अगर कुछ कोई मिलते हैं तो वहां पे राइडर लोग। यहां जवाहर सर्किल आ चुका है और वो पत्रिका गेट भी आपको थोड़ा थोड़ा चिन्नू चिन्नू सा दिख रहा होगा। तो चलिए इसका एक राउंड लगाते हैं, देखते हैं क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे, स्केटिंग कर रहे हैं ना बच्चे। तो अभी इसका एक राउंड लगाते हैं और फिर चलते हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे। तो यहाँ पे तो भैया कोई भी एक भी बाइकर नहीं मिला, सभी लोग यहाँ पे ग्रुप बना के एक्सरसाइज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो अब हम आ चुके हैं जेलन मार्ग पे, और हम पहले तो जाएंगे अल्बर्ट हॉल सीधा, और फिर वहाँ से वापसी के समय हम घूम के आएंगे थोड़ा बहुत अमर जवान ज्योति को। तो हमारी राइड अभी ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर की हो चुकी है। और ये सुबह सुबह ओस, हल्की फुल्की ओस के अंदर WTP का नज़ारा, वाह 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 वाह, काफ़ी बढ़िया सही लग रहा है WTP। ओके, यहाँ पे भी बाइकर्स का जमावड़ा होता है संडे के दिन, तो अभी देखते हैं कोई यहाँ पे है कि नहीं है। यहाँ पे भी कोई नहीं आया हुआ। आप तो यहाँ पे देखिए सामने थोड़ा थोड़ा सा अल्बर्ट हॉल दिखाई देने लग गया है। एक अल्बर्ट हॉल की जो नाइट की लाइफ होती है उसका काफी शानदार नजारा होता है, जो देखिए दिवाली के टाइम हमने शूट किया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, आप जाइए और जो नाइट के अंदर जो अल्बर्ट हॉल है वो किस तरह से शानदार चमकता है उसका एक नज़ारा है वो देख के आइए, काफ़ी प्यारा वीडियो था वो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अल्बर्ट हॉल के गेट खुले नहीं हैं यहाँ पर, अभी तक शायद गेट खुले नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग अब सीधा निकलते हैं अमर जवान ज्योति की तरफ, क्योंकि हम लोग तो केवल गेड़ी मारने के लिए निकले हैं। ओके, तो इस टाइम बहुत सारे लोग होंगे जो कि उत्तराखंड की राइड प्लान कर रहे होंगे, बहुत सारे होंगे जो तुंगनाथ चौकटा वहाँ भी जा रहे होंगे, तो उस पर भी अपना वीडियो बना हुआ है, उसका भी हम प्रचार कर देते हैं। जाइए आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, देखिए काफ़ी अच्छे वीडियो थे। तो अभी हमारी राइड हो चुकी है यहाँ पे 22 किलोमीटर की, और हम घूम रहे हैं जयपुर के अंदर ही। ये है अमर जवान ज्योति, क्योंकि यहाँ SMS के ग्राउंड के पास में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं देखने के लिए, और इसका जो व्यू है वो सामने से बड़ा अच्छा आता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठे हुए हैं। अभी हम यहाँ पे उन सब शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो यहाँ राजस्थान के हैं, स्पेशली जयपुर के हैं। तो इधर से इसका काफ़ी सही लुक आता है, और बड़ी ही अच्छी जगह है। तो कभी आएंगे तो और गौर से देखेंगे। अभी निकलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, अभी हम जो स्टेचू सर्किल है उसका भी एक सुबह का राउंड लगाए थे, फिर उधर से डायरेक्ट हम एलिवेटेड रोड से होते हुए निकल जाएंगे। हमारी राइड को ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं।
7:17 और हम लोग अभी वहीं स्टेचू सर्कल के पास है। तो कैसा लगा मैडम? ये सब जगह पहले देखी हुई थी क्या आपकी? नहीं। तो इनकी कुछ जगह देखी हुई नहीं थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा आज घूमने के लिए आ गए थे। तो बस आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियोज़ आते रहते हैं। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, बाय 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 बाय। तो हाँ, वैसे तो हम वीडियो को एंड कर चुके हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जाइए सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पता नहीं कैसा होगा।